समिति के चनकापुर खापरखेड़ा सीट के लिए 5 जून 2022 को हुए मतदान और सावने तहसील में 6 जून को हुए मतगणना में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी प्रफुल्ल सुरेश करनायके के 2382, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिलीप जगन्नाथ उइके 1045, बहुजन वंचित आघाड़ी अश्विनी साधुराव सरयाम 648 और निर्दलीय प्रत्याशी राजू काशीराम परतीते को 853 और नोटा 48 ऐसे मत पड़े। मतगणना के पश्चात उप विभागीय अधिकारी अतुल मेहत्री ने राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रफुल्ल सुरेश करनायके को 1337 मतों से विजयी घोषित कर विजयी प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर तहसीलदार प्रताप वाघमारे सामने पुलिस स्टेशन के थानेदार मारुति मुलुक पूर्व नागपुर जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे जिला परिषद सदस्य प्रकाश खापरे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। बता दें कि चनकापुर खापरखेड़ा के कांग्रेस के पूर्व सदस्य चंद्रशेखर पदम के त्याग पत्र के कारण रिक्त हुई इस पंचायत समिति की जगह हेतु 5 जून को मतदान हुआ। कांग्रेस के कब्जे की इस जगह को हथियाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन मतदाताओं ने फिर एक बार क्षेत्र के विधायक और राज्य के पशु संवर्धन दुग्ध विकास क्रीड़ा और युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार पर अपना विश्वास जताते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाया। संपन्न इस उपचुनाव में मंत्री सुनील केदार के कुशल मार्गदर्शन और क्षेत्र के वरिष्ठ युवा नेता और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे की कुशल रणनीति के कारण भाजपा प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी प्रफुल्ल सुरेश करनायके को भारी मतों से विजयी बनाने हेतु जिला परिषद सदस्य प्रकाश खापरे, नीलिमा उइके, पंचायत समिति सदस्य राहुल तिवारी, पोटा ग्राम पंचायत के सरपंच पवन ध्रुवे के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने परिश्रम लिया, तो वहीं उत्साही कार्यकर्ताओं ने वारे पंजा आ गया पंजा, सुनील बाबू आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है के गगनभेदी नारे लगाकर अपना उत्साह जताया। आदरणीय भारत के मंत्री उनको इधर इनके मार्गदर्शन में ये चुनाव संपन्न हुआ और ये चनकापुर पंचायत समिति की जो पोर्ट हुई और ये कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे प्रफुल्ल करनायके ये 1337 वोट से चुन के आए, वन साइड चुन के आए, आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा उनको वोट वहाँ पे मिले और इनका जो सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वो क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सभी वहाँ के जो कार्यकर्ता है जो सुनील बाबू के साथ में सब जुड़े हुए हैं और विशेष वहाँ का जो तरुण वर्ग है उनकी जो मेहनत है वो मेहनत रंग लाई और ये चुनाव वन साइड कांग्रेस ने सुनील बाबू के मार्गदर्शन में जीता। 34 चनकापुर पंचायत समिति पोटनिवडणुकीसाठी आम्ही सुरुवातीपासूनच 17 मे रोजी निवडणूक आयोगाने आदेश जारी केला आणि त्याची निवडणूक प्रक्रिया ही घेण्याच्या संदर्भात आदेशित करण्यात आले। तेव्हापासूनच आम्ही पंचायत समिती चनकापूर या पोटनिवडणुकीसाठी मतदान केंद्र, मतदार यादी, त्याचबरोबर उमेदवार नॉमिनेशन पत्र भरणे, त्यानंतर छाननी, माघार आणि निवडणूक प्रक्रिया या पद्धतीनं सूक्ष्म नियोजन केलेलं होतं। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।